वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सत्यवीर, प्रिया शर्मा, रविंद्र राइडर, आदित्य और गौरव, सभी को बहुत बहुत क्या बोलूँ, शुभकामनाएं थोड़ी शुभरात्रि भी नहीं, संध्या काल की नमस्कार। हाँ, लिंक मिल गया होगा आपको, आज सबसे पहले लिंक ही मिला होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली यूट्यूब पर जा सकते हैं। ठीक, हाँ जी, जल्दी से आते जाइए। गौरव कह रहे सर, नॉन वर्बल स्टार्ट कर लो, एयरफोर्स के एग्ज़ाम हैं। कब है एयरफोर्स का एग्ज़ाम गौरव, डेट आ गई क्या कोई? यूट्यूब वाले कमेंट लगा दीजिए सर। हाँ गौरव, डेट आई है क्या कोई? आज 90 मिनट्स की क्लास होगी क्या? क्यों ऐसा क्यों पूछा आपने सत्यवीर? क्या लिख के आया उसमें 90? हाँ भाई, बाकी लोग कहाँ रह गए आज, पहुंचे नहीं YouTube पर? जल्दी जल्दी से लाइव आइए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, क्योंकि कल की क्लास में हमने अपने चैप्टर डाइस को कंप्लीट कर लिया था। गौरव कह रहा है सितंबर में कन्फर्म है, वाई ग्रुप सितंबर में कन्फर्म है, तो ये भी कन्फर्म है कि मैं आपके पेपर से पहले नॉन वर्बल रीजनिंग करा दूंगा, बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है गौरव, ठीक है? लास्ट वीक है, मैं 15-20 तारीख तक आपकी नॉन वर्बल करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक? चलिए, तो कल हमने डाइस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीरीज। सीरीज को हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। सीरीज को हिंदी में क्या कहते हैं? श्रृंखला। श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? देखिए, सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बैंक हो। जी हाँ, बैंक में भी आता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बैंक में ये 10 नंबर में देखने को मिल जाता है। अरे सर, 10 नंबर में कैसे? 5 नंबर में रीजनिंग में देखने को मिल जाता है, तो 5 नंबर में मैथ्स के सेक्शन में भी देखने को मिलता है, और ऑलमोस्ट सेम ही होती है सीरीज, कोई अलग बात तो आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी। सर वही लगा दीजिए, ठीक है? तो चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, हर एक एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, किसी में 1-2 बनकर रह जाते हैं, तो किसी में 5, तो किसी में 10 भी बनते हैं, ठीक है? 10 मैंने बताया मैथ रीजनिंग को मिलाकर, अकेली रीजनिंग में 10 कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? आपने थोड़ा बहुत यदि पढ़ा होगा किताबों में, तो सीरीज को आप बेसिकली 2 भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक तो है नंबर सीरीज, एक तो है नंबर सीरीज, तो दूसरी है अल्फाबेट सीरीज, दूसरी है अल्फाबेट सीरीज, ठीक है? नंबर सीरीज की बात करते हैं, यदि हम लोग नंबर सीरीज की बात करते हैं, तो नंबर सीरीज फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। नंबर सीरीज फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। अगेन, यदि हम अल्फाबेट सीरीज की बात करते हैं, तो अल्फाबेट सीरीज भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है? ये दो पार्ट्स जो हैं अल्फाबेट सीरीज के और नंबर सीरीज के, वो क्या हैं, उनको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, नंबर सीरीज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो होगा लॉजिकल सीरीज, तो दूसरी होगी इलॉजिकल सीरीज। एक होगी लॉजिकल, तो दूसरी होगी इलॉजिकल। इनकी पहचान क्या है, मतलब क्या है, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है? उसकी चिंता मत करिए, मैं अभी एक एक एग्जांपल लूंगा इनके लिए और हम लोग उसे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? हाँ, तो नंबर सीरीज 2 टाइप की होगी, एक लॉजिकल होगी तो एक इलॉजिकल होगी। जबकि अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें, तो ये भी 2 तरीके की होगी, एक होगी डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज, तो दूसरी होगी कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है?
अब समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए कि ये लॉजिकल इलॉजिकल डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस सीरीज पहचानी कैसे जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ नंबर सीरीज में लॉजिकल सीरीज का, कि आपको जो लॉजिकल सीरीज देखने को मिलती है वो किस तरीके की देखने को मिलती है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट से दो, उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ तीन, उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ पाँच, और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ आठ, और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ लेट से बारह, और फिर लगता है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू इस सीरीज को इंक्रीज मतलब बनाया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है। उस प्रोसेस को हम पहचानने की कोशिश करें तो आप कहोगे कि सर दो और तीन में डिफरेंस है एक का, यानी कि एक बढ़ाकर अगला नंबर लिख दिया। आगे बढ़कर देखें तो तीन और पाँच में डिफरेंस है दो का, यानी कि दो ऐड कर दिया। उसके बाद कितना ऐड कर दिया, आप कहेंगे तीन ऐड कर दिया। उसके बाद कितना ऐड कर दिया, चार कर दिया। अब आपको लॉजिकली ये बात क्लियर हो चुकी है कि आगे जो ऐड होगा वो कितना होगा, पाँच होगा, फाइव होगा। तो पाँच ऐड करेंगे किस में, बारह में, बारह और पाँच मिलकर कितना बनेगा, सत्रह, योर आंसर विल बी 70। तो आपने इसमें क्या देखा कि इस सीरीज में, लॉजिकल सीरीज में एक सर्टेन लॉजिक था, एक एडिशन की सीरीज बन रही थी, यानी कि जुड़ता हुआ जा रहा था एक नंबर, वो इंक्रीजिंग वे में जुड़ता हुआ जा रहा था, पहले वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव। तो यहाँ पर एक सर्टेन लॉजिक था जिस पर आप सभी को एकदम से फोकस भी हो जाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कुछ जुड़ रहा हो या घट रहा हो, है ना, और आपको संतुष्टि भी होती है देखकर कि हाँ बिल्कुल सही पैटर्न में सीरीज चल रही थी। अब यदि मैं इलॉजिकल सीरीज की बात करता हूँ तो देखिए उसे मैं चाहता हूँ बताने से पहले आपसे पूछ लूँ, देखिए मैं जगह के लिए इसे मिटा देता हूँ। यदि मैं इलॉजिकल सीरीज की बात करता हूँ तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इज 24, 38, 412, then question mark। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन क्लैट लॉ का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ये मेरे मन के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन नहीं है। जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसका जो ये जो एग्जाम्पल है ये है इलॉजिकल सीरीज का। आप यदि किसी लॉजिकल वे में सोचेंगे तो शायद इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा सा इलॉजिकल होकर सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। मैंने कहा आपसे पूछ रहा हूं, बाद में मैं बताऊंगा। आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। पांच सौ सोलह किसका आंसर है, ये अतुल का। वेरी गुड अतुल, बिल्कुल सही आंसर है अतुल आपका, 516 आएगा। देखिए भाई 516 आंसर आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैटर्न क्या नोटिस हुआ, पैटर्न ये नोटिस हुआ कि आप इधर देखो ये सिंगल डिजिट देखो दो, ये सिंगल डिजिट देखो तीन, ये कितना है चार, तो आगे कितना होना चाहिए कि सर पांच। जबकि जो लॉजिकल सीरीज अभी पिछला एग्जांपल देखा था वहां पे ऐसा तो नहीं हो रहा था ना, सिंगल सिंगल डिजिट से इंक्रीमेंट हो रहा हो या सिंगल सिंगल से हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पूरा का पूरा नंबर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर सिंगल डिजिट इंक्रीज किया। आगे बढ़े तो ये जो लास्ट वाली डिजिट है फोर और ये जो लास्ट वाली डिजिट है एट, इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिला, चार बढ़ाया, फिर इसके बाद दोबारा से चार बढ़ाकर बारह कर दिया, इसके बाद दोबारा से चार बढ़ा दिया जाएगा और ये हो जाएगा बारह और चार सोलह, आंसर विल बी 560। हाँ, जुड़ेगा घटेगा गुणा होगा भाग होगा, यहां भी इलॉजिकल में भाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ही ना, कहीं ना कहीं काम तो वही होगा, लेकिन एक इलॉजिकल वे में होगा जिस पर एकदम से हम सोच नहीं पाते और हमें संतुष्टि नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। प्रणाम सूरज, लेट हो गए हो तुम थोड़ा सा। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल के जरिए ये समझ में आ गया होगा कि हम लॉजिकल सीरीज किसे बुलाएंगे और इलॉजिकल सीरीज किसे बुलाएंगे। कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, ये लॉ के एंट्रेंस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, ये जो मैंने अभी आपको इलॉजिकल सीरीज का बताया था। ठीक है, तो नंबर सीरीज में हम इन दो पार्ट्स को पढ़ेंगे
और उसके बाद हम अल्फाबेट सीरीज की बात करेंगे। अब हम अल्फाबेट सीरीज की बात करेंगे। अल्फाबेट सीरीज में दो पार्ट है, एक है कॉन्टिन्यूस तो एक सॉरी एक है डिसकॉन्टिन्यूस तो एक है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सबसे पहले डिसकॉन्टिन्यूस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही आम है, आप सभी ने देखी है और आप पहचानते हैं अच्छे से। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं ए क्वेश्चन मार्क आई ओ यू, आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं कि सर ई आएगा, क्योंकि आपको पता है ये मैंने वोवल्स की सीरीज बना दी, वोवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो यहां पर जो फिलिंदा ब्लैंक है या क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर मुझे क्या लेना होगा, ई। ये एक एग्जांपल है डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज का। बिल्कुल सही, सबके आंसर आ रहे हैं ई, कितना आसान क्वेश्चन था, इसके आंसर तो आने ही थे। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज है क्योंकि ये ए से ही शुरू हुई और ये यू पर ही खत्म हो गई, जहां खत्म हुई एग्जैक्टली वहीं खत्म, जहां दिख रही है ना मैं खत्म होती, ये वहीं खत्म हो गई, जहां से शुरू होती दिख रही है ये वहीं से शुरू हुई है। कि सर ये क्या बात हुई जो आप बोल रहे हो, अभी समझ में आएगी आपको। मैंने कहा ये सीरीज जहां से शुरू होती दिख रही है एग्जैक्टली वहीं से शुरू हुई है, जहां खत्म होती दिख रही है एग्जैक्टली वहीं पर खत्म भी होगी, इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, ये है डिसकॉन्टिन्यूस सीरीज का एग्जाम्पल। जबकि हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा ए डैश बी डैश डैश ए ए डैश बी डैश डैश, इस तरीके की कुछ सीरीज आपने देखी होंगी और पहचानेंगे कैसे, कैसे करेंगे और क्या सिखा रहा हूं, पहचान करने ही तो सिखा रहा हूं, और क्या सिखा रहा हूं। तो इस तरीके की जो सीरीज आपको देखने को मिलती है इसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस को हिंदी में कहते हैं सतत श्रृंखला, डिसकॉन्टिन्यूस को कहते हैं असतत श्रृंखला। तो ये सतत श्रृंखला है, ये जहां से शुरू हुई आपको दिख रही है, जरूरी नहीं है कि ये यहीं से शुरू हुई हो, ये जहां पर खत्म होती आपको दिख रही है, जरूरी नहीं है ये यहीं पर खत्म हुई हो। जी हाँ, ये जो सतत श्रृंखला है जो आपके सामने रखी है, एक बहुत बड़ी श्रृंखला में से एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी जगह से रेंडमली निकालकर आपके सामने रख दिया गया, ये कंप्लीट नहीं है, बट हाँ जो बड़ी श्रृंखला में से इसे काटकर यहां रखा गया तो ये उस पैटर्न को फॉलो करती है, जो पैटर्न उस बड़ी श्रृंखला में था वही सेम पैटर्न इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये पूरी नहीं है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, लगातार है, ये आगे बढ़ रही होगी और पीछे भी रही होगी, उसमें से एक टुकड़ा निकाला हुआ है। जबकि पिछले वाले में यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस में क्या था, वो जहां से शुरू हुई थी वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, जहां खत्म हुई थी वही उसका एंड पॉइंट था, ये कहीं से कट कर नहीं आई थी, एग्जैक्टली वही थी जो आपको दिख रही थी, ये कहीं से किसी बड़ी सीरीज में से कट कर एक टुकड़ा निकला है। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं पहले आपको क्या बताना चाह रहा था। आई होप पॉइंट इज क्लियर। मैंने आपको क्या बताया कि श्रृंखला हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक नंबर सीरीज एक अल्फाबेट सीरीज। नंबर सीरीज को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगी लॉजिकल सीरीज तो एक होगी इलॉजिकल सीरीज। हम अल्फाबेट सीरीज को भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होगी डिसकॉन्टिन्यूस तो एक होगी कॉन्टिन्यूस। एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको बता दिया कि पहचानते कैसे हैं। गौरव समझ में आई बात की नहीं, अच्छा नंबर सीरीज में जरूरी नहीं है कि आप पहचान ही पाए, वो तो जब सॉल्यूशन करोगे तब जाकर आपको पहचान में आएगी, लेकिन ये तो बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है, आपको अच्छे से पहचान में आ रही होगी। हाँ जी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ये टाइप में कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है आपको, जो मैंने आपको बताए हैं एक बार फिर से देख लेंगे, है ना, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आई होप पॉइंट इज क्लियर। ये भी सर सही है या गलत है, अरे नहीं वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था, मुझे उसका आंसर नहीं चाहिए गौरव, वो तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया था, वो मेरे दिमाग में जो आया मैंने सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसी सीरीज ए डैश डैश बी डैश इस तरीके की जो सीरीज होती है उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक, चले तो अब हम लोग ये समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम नंबर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। नंबर सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम लोग सेकंड टाइप को पढ़ेंगे, दैट इज अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज में अब लॉजिकल और इलॉजिकल हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब उसे अलग अलग पढ़ेंगे ना तो आप उसी तरीके से सोचने लग जाओगे। मैं कहूंगा अब मैं आपको इलॉजिकल सीरीज पढ़ा रहा हूं, तो आप उसी वे में सोचने लग जाओगे,
जबकि पेपर में थोड़ी ऐसे हेडिंग डाल के दिया जाएगा कि ये लॉजिकल है ऐसे लॉजिकल वे में सोचना, ये लॉजिकल है ऐसे लॉजिकल वे में सोचना, नहीं। पेपर में तो ऐसी क्वेश्चन आएगा, आपको समझ रहा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, नंबर सीरीज। अच्छा, नंबर सीरीज में चाहे लॉजिकल हो चाहे इलॉजिकल हो, अब हमको ये समझना है कि आखिर नंबर सीरीज में जो लॉजिक्स लगते हैं, नंबर सीरीज जो बनती है, हम कैसे समझें, हम कैसे पहचाने कि इस सीरीज को ब्रेक कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स के जरिए इन बातों को समझाना शुरू कर रहा हूं, धीरे धीरे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक, ओके। देखिए, किसी नंबर सीरीज को आप जब देखते हैं तो आप कैसे पता करें कि सर इसमें कुछ जुड़ रहा है या कुछ घट रहा है या भाग लग रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आपको मालूम है कि जो सीरीज बनती हैं वो कैसे कैसे बनती हैं, कि या तो उसमें या तो पिछले नंबर में कुछ ना कुछ जुड़ता है तब जाकर अगला नंबर बनता है, ठीक है, एडिशन हो रहा होता है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भी। या इसके अलावा क्या हो सकता है कि सर हो सकता है पिछले नंबर में से कुछ घटता हो और उसके बाद अगला नंबर बनता हो, अगला पद बनता हो। इसके अलावा क्या हो सकता है कि सर हो सकता है कि पिछले नंबर में कुछ मल्टीप्लाई होकर अगला नंबर बनता हो। और क्या हो सकता है कि सर हो सकता है पिछले नंबर को डिवाइड करके भाग लगाकर अगला नंबर बनता हो। और क्या हो सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बार प्लस हो जाए और एक बार माइनस हो जाए। एक ही सीरीज की बात कर रहा हूं, एक ही सीरीज में ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाए कि कुछ ऐड भी हो जाए कुछ सब्सट्रैक्ट भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ प्लस कर दिया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिवाइड हो उसके बाद प्लस हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिवाइड हो उसके बाद माइनस हो। ये कंडीशंस हैं सीरीज बनने की, और ये जो लास्ट में दो दो सिंबल वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस, इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन वाली जो सीरीज होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इन सिंपल सीरीज की अपेक्षा, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाली जो सीरीज होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, कठिन होती है इन सिंपल प्लस माइनस गुणा भाग वाली सीरीज की अपेक्षा। ज्यादातर देखने को मिलता है कि ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट बैंकिंग में पूछा जाता है, या फिर ज्यादातर कह रहा हूं, हमेशा नहीं कह रहा हूं, मेरी जबान को मत पकड़ लीजिएगा कि सर आपने कहा बैंक में ही आएगी, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ज्यादातर आपको ये बैंकिंग में देखने को मिलेगा, और आप एसएससी सीजीएल में भी इस लेवल के बढ़िया क्वेश्चंस देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपको बैंकिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा समझें कि सर इतनी सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं अभी ये कंप्लीट नहीं है, पहली बात, ठीक है, ये कंप्लीट कभी हो भी नहीं सकती। दूसरी बात, अभी कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि इनके अलावा और क्या हो सकता है सीरीज में, कि सर हो सकता है कि किसी पद का किसी नंबर का स्क्वायर हो रहा हो सकता है कि किसी नंबर का क्यूब हो रहा हो। जी हाँ, इसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब भी याद होने चाहिए, इसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब भी याद होने चाहिए। मैं अभी बात करता हूँ आपसे स्क्वायर और क्यूब की, जरा पहले इसे कंप्लीट कर दूँ। देखिए, हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर लिखा हो सकता है क्यूब लिखा हो, और ऐसा भी हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद माइनस या प्लस वन लिखा हो, या माइनस या प्लस टू हो रहा हो, या किसी नंबर का क्यूब करने के बाद प्लस या माइनस वन हो रहा हो या टू हो रहा हो। नॉर्मली वन टू ही देखने को मिलते हैं, पांच दस देखने को नहीं मिलते हैं। अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि यही देखने को मिलेगा, इन्हीं से सीरीज बनेगी, नहीं, इसके अलावा भी कुछ और कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। अब ये वो कॉन्सेप्ट है कि 99% इनमें से क्वेश्चंस बनी बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमको क्या करना है कि इन सभी के एग्जांपल्स को समझना है, फिर हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर हम पहचान पाया करेंगे कि सीरीज किस तरीके से बन रही है। मैंने बात की कि आपको
किसी नंबर का स्क्वायर भी देखने को मिल सकता है और क्यूब भी देखने को मिल सकता है। अब आप क्या सोच रहे हो कि पेपर में ऐसा हो जाएगा, कभी 25, 36, 49 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग के आ जाए? हाँ हो तो सकता है, लेकिन आपको भी पता है कि आजकल पेपर का ऐसा लेवल नहीं रहा जैसा मैंने लिखा है। इसे कोई छोटा बच्चा भी पहचान सकता है, कोई बिगिनर भी पहचान सकता है जिसने सिर्फ अभी स्टार्टिंग की है कॉम्पिटिशन की। तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस बात के चांसेस बहुत कम है कि डायरेक्ट स्क्वायर लिखकर आ जाए, बल्कि चांसेस इस बात के ज्यादा हैं जो मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं। आप इन नंबर्स को देखते हैं तो एकदम से कोई भी बात स्ट्राइक नहीं करती, लेकिन जब आप इन नंबर्स को देखते हैं तो देखते ही एक बात स्ट्राइक कर जाती है कि ये स्क्वायर्स हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर याद है। बिल्कुल सही सत्य भी, क्योंकि हमें स्क्वायर्स याद हैं इसलिए तुरंत स्ट्राइक कर गई 25, 36, 49, 64, ये तो स्क्वायर है। अब किसके हैं भले ही नहीं किया हो दिमाग में, वो बाद में सोच लेंगे, बट स्ट्राइक कर गया कि ये स्क्वायर्स हैं। यहां स्ट्राइक नहीं कर पाता क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये 24 नहीं बल्कि क्या होता है 25, ये 36 नहीं उस ये 35 नहीं बल्कि क्या होता है 36। देखो मैं आंसर दे रहा हूं, ये मुझे 49 दिखता तो बढ़िया था, लेकिन 48 दिख रहा है तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली ये है क्या, ये स्क्वायर ही है, ऊपर वाला स्क्वायर ही तो है, यानी कि 5 का स्क्वायर था 25, उसमें से बस -1 कर दिया है तो क्या रह गया 24। ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 -1 35, 7 का स्क्वायर 49 -1 48, अब आगे आएगा 8 का स्क्वायर 64 -1 कर देंगे, आंसर विल बी 63 आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपको यदि स्क्वायर्स याद हैं, क्यूब्स याद हैं, तब जाकर आप इस लेवल पर जल्दी से डिसीजन ले पाएंगे कि ये सीरीज कैसे बन रही है। तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि स्क्वायर, गौरव कह रहा है सर आप सही कह रहे हो, मैं सही तो कहता हूं गौरव, गलत क्यों कहूंगा ये इस बात पे कह रहा होगा कि हाँ सर ये नंबर तो तुरंत दिखाई दे जाते हैं हमको, ये नहीं दिखाई देते, ये भी बात मैं सही कह रहा हूं, पहचान लेता हूं मैं। हाँ जी, तो मैंने कहा क्या मुद्दे की बात पर आते हैं कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद हैं या नहीं, और यदि याद हैं तो कहां तक याद हैं, क्योंकि ये तो अभी छोटे छोटे से क्यूब्स लिखे हुए थे। यदि हम बैंकिंग की बात करें तो बड़े बड़े क्यूब्स बड़े बड़े स्क्वायर्स से सीरीज बन के आ जाती है, उस केस में हम कैसे पहचानेंगे, उस केस में हम कैसे पहचानेंगे स्क्वायर पर जल्दी स्ट्राइक कर। हाँ जी, तो स्क्वायर और क्यूब यदि आपको याद है तो लिख के दीजिए जरा कमेंट में, कहां तक याद है, कितने कितने याद है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। हाँ थोड़ी सी बातें करो मुझसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कितने स्क्वायर्स की बात करते हैं, चलिए स्क्वायर्स कहां तक याद है आपको जल्दी से बता दें। गौरव कह रहा 30 तक, सभी से आंसर चाहिए मुझे, सभी से स्क्वायर्स कहां तक याद है आपको? नहीं याद है, अरे रविंद्र क्या कह रहे हो, ये तो बहुत गड़बड़ है भाई, याद ही नहीं है, कुछ तो याद होने चाहिए। हाँ 15 तक है, अतुल कह रहा 15 तक है, अरे भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है, सभी लोग जवाब नहीं दे रहे तो। हाँ आदित्य कह रहा है 25 तक है। देखो मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्वायर्स जो याद होने चाहिए वो 135 तक याद होने चाहिए। शॉकिंग लगा सुनने में, क्यों भाई शॉकिंग लगा सुनने में, 135 तक स्क्वायर सर कैसे याद हो सकते हैं? हम तो कह रहे हैं हमें 15 तक याद हो जाए वही बहुत है कोई भी स्क्वायर 2 आंसर बता देगी। अच्छा सत्यवीर कह रहा है, सत्यवीर बताओ जरा 54 का स्क्वायर 54 का स्क्वायर कितना होता है? मैं आपको बता दूं 29 16 होता है, बताओ मेरी तरह हाँ बताओ सत्यवीर, अभी तक जवाब नहीं आया तुम्हारा। गौरव कह रहा है 1 मंथ लगेगा याद करने, नहीं यही याद हो जाएंगे अभी 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 याद करते हैं, चाहते हो याद करवा दूं कुछ? नहीं तो मेरा पार्ट नहीं है ये, मैथ का पार्ट है, बताओ मैं तो छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, कह दूं कर लो याद, बोलो जल्दी बोलो, चाहते हो याद करवा दूं तो आगे बढ़ेंगे। 29 16 ही तो बोला था मैंने अभी तो मैं टाइम लग गया सत्यवीर, वेरी गुड बढ़िया है, मुझे क्या पता कैलकुलेटर लेके बैठे, मोबाइल तो है ही
तो उसमें तुरंत कैलकुलेट कर लो, नहीं पेपर में मोबाइल नहीं जाएगा साथ में। चलिए ठीक, तो मैंने कहा कि आप यदि चाहते हो तो स्क्वायर्स में अभी आपको याद करवा दूं, नहीं चाहते तो आगे बढ़ जाते हैं, तो हम आगे ही बढ़ जाते हैं क्योंकि आप चाहते नहीं हो, चाहते होते तो अब तक आपने याद नहीं कर लिए होते, क्यों भाई। चलो तो याद तो आप कर ही लोगे, कह रहा है बताओ। देखो भाई एक शर्त है, बता तो मैं दूंगा आपको, यदि 135 तक स्क्वायर याद करने हैं तो आपको 35 तक स्क्वायर घर से याद करने पड़ेंगे, तब मैं 135 तक करवाने की गारंटी लेता हूं, ठीक है। हाँ तो नॉर्मली देखो होता है क्या, 30 तक तो सभी को याद होते हैं, आप लोग पता नहीं कैसे कह रहे हो मुझे 15 तक याद है, क्या आपको 19 का स्क्वायर नहीं याद है, क्या आपको 22 का स्क्वायर नहीं याद है। देखो अभी पूछूंगा सबको पता चल जाएगा, यदि 25 का स्क्वायर पूछूं तो आप फटाफट से आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। अरे सर ये तो हमको याद है, रटा हुआ है, कितना है 625 है, कितना है 625 है, यही है 25 का स्क्वायर कितना है 625 है, ये तो सब जानते हैं सर, इसमें क्या बता दिया। गौरव कह रहा है 35 तक याद है सर, बताओ ट्रिक, बताओ ट्रिक चाहिए, कुछ भी करेंगे इसके लिए। आप इसकी जगह 25 का स्क्वायर पूछा आपको याद था, आपने फटाफट आंसर दे दिया, लेकिन वहीं यदि मैंने आपसे 43 का स्क्वायर पूछ लिया होता तो आपको याद नहीं है, आप फंस गए, आप फंस गए, ठीक है। तो इसके लिए एक काम तो आप कर ही लेते होगे शायद, कि सर पहला नंबर पहली डिजिट 3 का स्क्वायर 09, दूसरा 4 का स्क्वायर 16, दोनों का मल्टीप्लाई 4 12 का डबल 24, एक डिजिट राइट हैंड साइड से छोड़कर यहां पर लिख लीजिए और इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया 1849। जी हाँ ये है आपका, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रिया। 25 पर अप्लाई करके देखें, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 0 4 हुआ, 5 × 2 = 10, 10 का डबल 20 नीचे लिखेंगे, इनको जोड़कर देखिए आंसर आ जाएगा आपका 625। लेकिन ये ट्रिक हम सब जानते हैं, लेकिन जानते हैं तो फिर बताते क्यों नहीं है, यदि जानते हैं तो क्यों नहीं बताते। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 56 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 56 का स्क्वायर 31 36 होता है, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था आपका। तो वो इस ट्रिक से नहीं आ रहा जो मैं बता रहा हूं, वो इस ट्रिक से नहीं आ रहा, ना ही मुझे याद है, इतना रटना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, देखिए आप वर्बली सिर्फ नंबर बोला जाएगा आपसे, आप वर्बली बता दिया करेंगे इसका स्क्वायर क्या होगा। जैसे मैं बता रहा हूं 52 का होता है 27 04, मैं आपको बता दूं 48 का होता है, हाँ बता तो रहे हैं, क्या पूछें और अब अच्छा स्क्वायर की कह रहे हो, हाँ पूछ रहे हैं, चलो अब बता दें पहले उसके बाद पूछते हैं। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं स्क्वायर्स नंबर्स अराउंड 50s 50 के आसपास के नंबरों के स्क्वायर। यदि इस बैच में कोई बैंकिंग स्टूडेंट है ना तो आपके लिए मैं बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप ही के जैसा मैं हूँ, मैं भी बैंकिंग स्टूडेंट रहा हूँ, आई हैव क्वालिफाइड 6 or 7 टाइम्स आईबीपीएस के अलग अलग आरआरबी क्लर्क पीओ ऑफिसर, ये एग्ज़ाम्स मैंने 6 से 7 बार क्वालिफाई किया, आई कैन शो यू माई रोल नंबर्स इवन, यू कैन चेक इट आउट। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग में इनकी बहुत अहमियत है, आपको ये याद होते तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, बहुत स्पीड में हो जाती है। 50 के आसपास के नंबर्स के यदि आपको स्क्वायर करने हैं तो आपको एक छोटी सी बात याद करनी है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, वो है ये 25 + x / x². जी हाँ, जैसे 50 के आसपास के नंबरों के बात कर रहे हैं तो मैंने अभी 52 का स्क्वायर आपसे पूछा था, ठीक है। तो 52 50 के आसपास का ही नंबर है, जी हाँ सर। ये x क्या है, तो मैं आपको बता दूं x वो वैल्यू है जो 50 से ज़्यादा है, 52 में 50 से ज़्यादा कितना है कि सर 2, तो x की वैल्यू कितनी है 2 है, ये तो 25 बाई डिफॉल्ट वैल्यू रखनी ही है, ऑब्लिक
एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये कितना होगा 4 होगा, और ये 25 और 2 कितना होगा 27 होगा। लेकिन याद रखना है ये जो राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड यहाँ पर हमें हमेशा एग्जैक्टली टू डिजिट चाहिए होती हैं, एग्जैक्टली टू डिजिट चाहिए होती है। तो हम इस 4 को क्या बना देंगे 04, आंसर विल बी 2704, आंसर विल बी 2704। अभी आपको लग रहा होगा सर इतना कुछ करना पड़ेगा, नहीं अभी देखना, आप अभी देखना जादू की तरह लगेगा आपको ये, बिल्कुल बरवली आप इसका आंसर करना शुरू कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, लेट्स से 54 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद हो गया 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, ये यूज करना है आपको, याद हो गया। अच्छा आप मुझे बोलना वहीं पर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, 25 प्लस एक्स की जगह पर कितना रख दूँ, हाँ सर बिल्कुल 4 रख दें, क्योंकि 50 से कितनी ज़्यादा है ये वैल्यू कि सर 4 ज़्यादा है। ऑब्लिक एक्स का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, ये 25 और 4 कितना हुआ 29, 29 16 आंसर आ गया। ये क्योंकि 16 हुआ ये खुद ही डबल डिजिट थी, इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको मैं कोई नंबर बोलूँगा, पेन यूज़ नहीं करना है, ठीक है, पेन यूज़ बिल्कुल सही है, पेन यूज़ नहीं करना है, बस इमेजिन करिए ये आपके दिमाग में छपा है 25 प्लस एक्स ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरा नंबर सुने, नंबर है 56, 56 का स्क्वायर बताना है मेरे साथ, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 56 में 6 होगी, 25 प्लस 6 31 और 6 का ही स्क्वायर कितना हुआ 36, आंसर आ गया 31 36, वेरी गुड सत्यवीर, 31 36 आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए एक और बताइए, 58 का स्क्वायर मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले x की वैल्यू 58 में कितनी है 8, 25 और 8 कितना हुआ 33 और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 33 64, जल्दी से आंसर क्या करो, इतनी देर नहीं लगानी है, बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, गलत हो गया गौरव, 33 64, अच्छा पिछले का दिया शायद, हाँ 33 64 आंसर होगा, ठीक है। सभी लोग जाग रहे हैं, सभी लोग जाग रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही अतुल, सभी लोग जाग रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन का जवाब दें। अगला क्वेश्चन है 62 का स्क्वायर कितना होगा, बताइए 62 का स्क्वायर कितना होगा, बरवली पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना, देखना जरा 62 के स्क्वायर, तो सबसे पहले x की वैल्यू बताओ 62 में, फिर सर 50 से 12 ज़्यादा है, तो 12 और 25 कितना हुआ 37 हुआ, 12 और 25 37 हो गया, यहाँ पर 37 लिखा जाएगा, याद रखना यहाँ पर 37 होगा, और इधर 12 का स्क्वायर 144, 144 तीन डिजिट होती है, जबकि मुझे कितनी चाहिए होती है 2, तो 144 का एक इधर आ जाएगा, 37 का 38 हो जाएगा, वो 44 38 44, नहीं समझ में आया, तो देखिए मैंने कहा कि आपको 62 का स्क्वायर बताना है, तो आपको 25 प्लस x की जगह ये 50 से कितना ज़्यादा है 12 ऑब्लिक 12 का होल स्क्वायर, ये हुआ 144, ये हुआ 37, यहाँ दो डिजिट चाहिए होती हैं, तो इसको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दो, तो एक आएगा तो ये हो जाएगा 38 44, आई होप पॉइंट इज क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल सही है संदीप, समझ में आ रही है, तो मैं आगे बढ़ूँ नहीं तो ख़त्म कर दूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बताने की, क्यों भाई मुझे तो अपनी सीरीज पढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये उसी का पार्ट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वेरी गुड बहुत बढ़िया 38 44, दे पा रहे हैं आंसर के नहीं, तो एक और दे दीजिए 48 का स्क्वायर कितना होगा, 48 का स्क्वायर कितना होगा, अब ध्यान देना 48 50 से ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है, 48 50 से कम है, कितना कम है 2 कम है, तो ध्यान देना 25 प्लस एक्स की जगह माइनस 2 लेंगे क्योंकि 2 कम है, ठीक है। ऑब्लिक एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है ना, डायरेक्ट 04 लिख दूं और 25 में से 2 गए तो 23 04 आंसर आ गया, कमेंट करेंगे, वेरी गुड सत्यवीर का आंसर सबसे पहले आ, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही, ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं लगी बताइए आप मुझे, जल्दी बोले, इसी बात पर एक और बताते चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि 42, हाँ हाँ एक नंबर 60 के ऊपर अभी लेते हैं रविंद्र, मैं आपसे पूछता हूँ 42 का स्क्वायर कितना होगा, दिमाग बोला 8 कम है, माइनस 8,
25 में से 8 जाएंगे, 17 बचेंगे। 8 का स्क्वायर कर लो 64 हुआ, कितना हुआ 17 64। मजा आ गया अतुल, चलो अच्छी बात है। 17 64 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अच्छा चलो 45 का स्क्वायर और बता दो फटाफट से। 45 एक्स की वैल्यू माइनस 5, 25 में से 5 गए 20, 5 का स्क्वायर 25, 20 25 डायरेक्ट आंसर। कैसा है, सही है कि नहीं? बाकी लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ में कम आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है? एक से लेके कहाँ तक काम करेगी? नहीं, 1 से 35 तक तो याद ही करने आ देते, 1 से 35 तक तो याद करने हैं, उसके बाद 135 तक काम करेगी। सत्यवीर 2024 किसका लिख दिया तुमने? 2025 आएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ अभी किसी ने मुझसे पूछा, रविंद्र ने, कि सर 60 से ऊपर वाला ले लो आप बताओ। मैं 64 ले लूँ, 64 ये लीजिए, 64 ले लेते हैं। 64 का होल स्क्वायर करना है, 25 प्लस एक्स की जगह 14 रखोगे कि नहीं रखोगे, क्योंकि 14 ज़्यादा है, प्लस 14 सॉरी प्लस नहीं ऑब्लिक ऑब्लिक 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ये कितना होता है? अच्छा अब ये तो याद होना चाहिए ना, 14 का स्क्वायर कितना होता है? अभी बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। क्या 14 का भी स्क्वायर याद नहीं है? 196 होता है। थैंक यू क्यों आदित्य। हाँ 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 होता है, ठीक है? ये कितना हो गया आपका 39 हो गया, ठीक है? यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 96। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सत्यवीर, वेरी गुड गोइंग। एक्चुअली क्या है, ये जो ट्रिक्स है ना, दे रिक्वायर प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपने जब शुरू में फॉर्मूला देखा तो आपको बहुत बेकार सा मन हो गया होगा, अरे सर क्या फॉर्मूला बता रहे हो, लेकिन अब अच्छा लगने लगा होगा क्योंकि आपने 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली मेरे साथ, 10 की कर ली होगी ज़्यादा से ज़्यादा, 10 नहीं किए वैसे, 5-6-7 ही किए होंगे ट्रिक के लिए। कभी नहीं मिली और कहीं भी नहीं मिली ऐसी ट्रिक, ऐसी ट्रिक्स मेरे पास बहुत हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीज़न के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हैं। ये इजाद करता रहा मैं जब अपने पेपर देता था, कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो सके। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गए 50 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर, अब बात कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से 100 के आसपास के नंबरों के स्क्वायर की, ठीक है? मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे सीरीज भी तो स्टार्ट करनी है भाई, है ना? 100 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर, स्क्वायर्स नंबर अराउंड 100, 100 के आसपास के नंबर के स्क्वायर, छोटा सा फॉर्मूला 100 प्लस 2x ऑब्लिक एक्स स्क्वायर, ठीक है? हाँ याद रहे ये ऑब्लिक के बाद जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हमेशा आपको एग्जैक्टली 2 डिजिट चाहिए होती है, ठीक है? अब देखो बहुत छोटा सा नंबर लेता हूँ, सबसे पहले मैं 104 ले लेता हूँ, 104 का होल स्क्वायर करना है। अब 100 तो लिखना ही है, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, जो 100 से ज़्यादा है 4 है, और 4 का स्क्वायर कर दिया तो ये तो 16 हो गया, ये 4 × 8 108 16 आंसर आ गया आपका। चेक कर लो कैलकुलेटर में, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। गौरव कह रहा है पहले आप मैथ पढ़ाते थे, पूछ रहे हो कि बता रहे हो गौरव? पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। 104 का स्क्वायर समझ में आ गया आपको, चलो 108 का बताओ। 108 में एक्स की वैल्यू 8, अच्छा 2 से गुणा होता ही है तो 8 × 16, 100 और 16 116, और 8 का स्क्वायर 64, 116 64 आंसर है। अरे भाई कोई सोचेगा पेन उठाने की, हाँ मैं पहले मैथ पढ़ाता था, कोई सोचेगा पेन उठाने की उससे पहले आप आंसर दे दोगे, उससे पहले आप आंसर दे दोगे, ठीक है? हाँ 116 64। अच्छा अब थोड़ा माइनस वाली बात कर लेते हैं जिसमें माइनस करना पड़ता है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ 98 का होल स्क्वायर बताओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी है पता है आपको? कि सर 2 है, माइनस 2 है, ठीक है? 100 प्लस 2x तो माइनस 2 आएगा एक्स की जगह, ऑब्लिक माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, मतलब 04, ये 2 × 4 माइनस का 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9604। अब बरवली करेंगे, पेन नहीं उठाएंगे, बरवली करते हैं क्वेश्चन। चलिए हमने क्या लिया था, भी 98 लिया था, अब ले लेते हैं लेट से हम ले लेते हैं 95, 95 एक्स की वैल्यू माइनस 5, 5 × 10 कट गया 100 में से 90, और 5 का स्क्वायर 25, 90 25 आंसर। समझ में आ गई बात,
समझ में आ गई बात, कर पाएंगे 135 तक कर पाएंगे। मैं पूछूं 112 का, 112 का स्क्वायर, तो 12 दूनी 24, 124, और यहाँ पर 12 का 144, 144 का एक इधर मिल जाएगा, 125 44 आंसर। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आती कोई भी शॉर्ट ट्रिक। आई होप क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए तो अब आते हैं हम सीरीज पर। ये जो कॉम्बिनेशन प्लस माइनस ये सब हमको सीखना था, तो मैं आपको ये बताने वाला था कि कैसे क्या प्लस और माइनस कैसे पता चलेगा। इस बात को समझ लेते हैं कि कोई भी सीरीज में यदि ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता है, ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि ये वाली सीरीज देख लीजिए आप, तो आप ये समझ लें कि यदि ग्रेजुअल इंक्रीमेंट यानी कि धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वहां पर कोई ना कोई चीज प्लस हो रही है, कोई ना कोई चीज प्लस हो रही है। ठीक है, जैसे आपने देखा 2, 3, 5, 8, 12 इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं हो रहे। दैट मीन्स यहां पर कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो आपने देखा कि यहां पर एक प्लस हुआ, फिर दो प्लस हुआ, फिर तीन प्लस हुआ, फिर चार प्लस हुआ, फिर होगा 5, आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, तो हमारी जो सोच है वो यहां से डेवलप होनी चाहिए कि इसमें क्या हो रहा होगा। तो आपको पता चला कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं नंबर, तो एडिशन हो रहा होगा। अच्छा, इसकी जगह पर मैं यहां पर लिख देता लेट्स से 3, 9, 81, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देता, तो आपके दिमाग को एक जवाब देना चाहिए था। क्या आपके दिमाग को ये जवाब देना चाहिए था कि सर 3 और 9 तक तो ठीक है, ये छोटे छोटे नंबर, मतलब 3 से 9 हुआ, एक छोटा इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन 9 के बाद 81, ये तो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जरूर किसी ना किसी चीज का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 3 * 9, 9 * 81, मल्टीप्लीकेशन से ही तो कोई नंबर बड़ा हो सकता है। ये सीरीज इररिस्पेक्टिव इट्स आंसर, इसके आंसर की बात नहीं कर रहे हम, कि मैंने ऐसी बना दी है, जरूरी नहीं है सही हो। ये मैं आपको नंबर्स के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या कहा कि जब कोई नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है धीरे धीरे, तो एडिशन होने के चांसेस हैं प्लस, और जब नंबर कोई बहुत स्पीड में इंक्रीज करता है तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन के चांसेस हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। जैसे मैं अगले क्वेश्चन में लिख देता हूं 343, उसके बाद 49, उसके बाद 7 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा होगा आपके, क्या है कि सर ये 7 का क्यूब है, या आप ऐसे समझो कि इसमें मैंने 7 से भाग लगाया, तो 7 * 4 = 28, बचे 6, 7 * 9 = 63, तो ये आ गया। फिर मैंने इसमें 7 से भाग लगाया, तो 7 * 7 = 49, तो 7 आ गया, यानी कि भाग लग रहा है। तभी तो कोई इतना बड़ा नंबर 343 से एकदम से छोटा होकर 49 रह गया, एकदम से छोटा होकर 7 रह गया। वो कैसे पॉसिबल है कि उसमें भाग लगाया जा। यदि इसकी जगह पर कोई नंबर ऐसा होता कि यहां पर लिखा होता 343, उसके बाद लिखा होता 302, उसके बाद लिखा होता लेट से 260, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब दिमाग मत लगाना इसको, मैंने जस्ट ऐसे ही नंबर लिख दिए, अभी सीरीज नहीं बनाई है। क्या आपने देखा कि कोई नंबर घट रहा है, लेकिन बहुत स्पीड में नहीं घट रहा भाई, धीरे धीरे ही घट रहा है। स्पीड तो ये थी 343 से 49 से 49, धीरे धीरे घट रहा है, तो पॉसिबिलिटी किस बात की कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, यानी कि घटाया जा रहा होगा। कॉम्बिनेशन के लिए हम ये वाली चीजें नहीं सोच पाएंगे, वो जब क्वेश्चन सामने आएगा तब हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई भी नंबर देखो तो एक बार ये भी सोच लो, कहीं ये किसी स्क्वायर के अगल बगल तो नहीं है, प्लस माइनस तो नहीं है। जैसे मैं 26 बोलूं तो आपका दिमाग नहीं चलता, चलना चाहिए कि 3 * 3 = 1 होता है, 3 * 3 = 27 - 1 = 26। तो कोई भी नंबर देखो तो ये दिमाग चलना चाहिए, (3 + 1 = -1) या (2 + 1 = -1) तो नहीं है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज में हमको अल्फाबेट सीरीज भी पढ़नी होती है, आपको पता है, और अल्फाबेट सीरीज में भी जाकर हमको 2 पार्ट पढ़ने होंगे, तो हम इतना समय इन बातों पर नहीं दे सकते। इवन मैं आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल हर टाइप के देता चलता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है,
सिंपल कैसे है, सबसे पहले अप्रोच समझिए। 119, 114, 109, 104, 99 घट रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन क्या बहुत स्पीड में नंबर छोटा होता जा रहा है क्या? नहीं सर, छोटा तो हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या चांसेस है? चांसेस हैं कि जरूर इसमें कुछ माइनस हो रहा होगा। जैसे 119 से 14, 114 रह गया, यानी कि माइनस का 5 हुआ। 114 से 109 रह गया, माइनस का 5 हुआ। 109 से 104 रह गया, माइनस का 5 हुआ, और फिर से माइनस 5 हुआ, और फिर से माइनस 5 यदि आप कर देते हैं तो आंसर होगा 94। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखा है मैंने, क्यों? क्योंकि आपको हर एक टाइप को समझाना है कि क्या क्या हो सकता है। पॉइंट इज क्लियर, समझ में आई बात कि नहीं आई? बिल्कुल सही, 94 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ जी, ये क्वेश्चन है। अच्छा चलो, इसमें ऑप्शंस नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में 17, 43, 81 बढ़ रही है सीरीज, मुझे नहीं लगता बहुत स्पीड में बढ़ रही है। नहीं, 17 से 43 बढ़ी, कमी बढ़ी, 43 से 81 बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। चांसेस किस बात के? कि कुछ जुड़ रहा होगा, ठीक है? देख लेते हैं क्या जुड़ रहा होगा। सबसे अच्छा तरीका, डिफरेंस करना शुरू कर दो भाई। डिफरेंस 17 और 43 का डिफरेंस कितना हुआ? 17 और 43 का डिफरेंस हुआ सर 26, 26 जुड़ा है इसमें। 43 से 81 का डिफरेंस कितना हुआ? देखो 7 और 31 कितना हुआ? 37 हुआ, सॉरी 38 हुआ, 38 हुआ, सही है। 11 में से 3 गए तो 8 बचे, और 7 में से 4 गए तो 3 बचे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी 131 में से 81 घटा लो, डिफरेंस पता चल जाएगा 0। 13 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 5 बचेंगे, 50 का डिफरेंस है। आपको कुछ समझ नहीं आया 26, 38, 50 क्या हो रहा है? आगे हमें किसका डिफरेंस ले जाना चाहिए, ये नहीं समझ में आया। जब नहीं समझ में आता तो यहां से एक बहुत बेहतरीन अप्रोच निकलती है सीरीज की। अप्रोच ये है कि जब आप इस तरह से डिफरेंस कर रहे हैं और आपको सीरीज ब्रेक नहीं होती दिखती, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको इस डिफरेंस का भी डिफरेंस कर देना है। 26 से 38 में आप देखोगे तो 12 का डिफरेंस है, और 38 से 50 में आप देखोगे तो 12 का डिफरेंस है। और अब आप ये नहीं कह सकते मेरे समझ में नहीं आ रहा, आपको पता है इसका मतलब आगे भी जो डिफरेंस जाएगा वो 12 का ही जाएगा, यानी कि 25 में 12 जुड़ेंगे तो 62 आएंगे, और ये 62 131 में जुड़ जाएंगे तो आपके 193 आ जाएंगे। आंसर विल बी 193। वेरी गुड गौरव, सत्यवीर, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। ये जो अप्रोच है ना कि डिफरेंस और ना समझ में आए तो डिफरेंस का भी डिफरेंस, और तब भी ना समझ में आए तो उसका भी डिफरेंस, और तब भी ना समझ में आए तो समझ लो आज हमारा दिन नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। क्योंकि इतना करने के बाद भी यदि नहीं हो रहा तो कुछ और ही लग रहा होगा उसमें, हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? इंक्रीमेंट है, बहुत स्पीड में नहीं है, डिफरेंस कर लीजिए। डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34 का 34 का। अगेन डिफरेंस करेंगे तो आई थिंक ये 42 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें डिफरेंस करेंगे तो 2 और ये 5, यानी कि 52 का डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस करेंगे तो ये 4 और ये 14 में से 8 जाएंगे तो 6, यानी कि 64 का डिफरेंस है। आगे कितने का डिफरेंस जाएगा, अगेन आपके समझ नहीं आ रहा। डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस, ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। 34 से 42 हुआ तो आपने कहा ये 8 प्लस हुआ, 42 से 52 हुआ तो आपने कहा सर 10 प्लस हुआ, 52 से 64 हुआ सर 12 प्लस हुआ, पहले 8 फिर 10 फिर 12, आप ही बोल दो अब आगे कितना प्लस होगा। दो दो बढ़ रहा है तो 14 प्लस होगा, अब 64 में 14 जोड़े, 4 और 4 कितना होगा? 8 होगा, और 6 और 1 कितना होगा? 7 होगा। ये आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर लाने के लिए अब 78 को 248 में जोड़ना होगा। 8 और 8 16 की 6 हासिल 1, 5 और 7 12 की 2 हासिल 1, 2 और 1 3, आंसर होगा 326। आदित्य 322 के 326 तुमने गलत किया कि मैंने? देख लो भाई, हो सकता है मुझसे भी गलती हो गई हो। 8 10 12 14 का डिफरेंस ले जाना था तो 4 और 4 8, 6 और 1 7, 8 और 8 16 की 6 हासिल 1, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1। मेरा सही है, 326 ही आएगा, आपने गलत कर दिया है। ठीक है, तो ये मतलब आप ये मान लो कि यदि आपके सामने 5 क्वेश्चन आते हैं ना, आई कैन गारंटी यू 2 क्वेश्चन इस तरीके से ब्रेक हो जाएंगे, 5 में से 2 इसी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इंक्रीमेंट है बट बहुत स्पीड में नहीं है, धीरे धीरे है। अगेन चांसेस किस बात के, कुछ जुड़ रहा हो और आंसर आपका होना चाहिए इस बार। आंसर दीजिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, क्या बात है, इतना कठिन क्वेश्चन है क्या? पेन पेपर लेके नहीं बैठे, पेन पेपर लेके नहीं बैठे होते तो पिछले क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए होते। 336 सत्यवीर। अभी आगे क्वेश्चन ऑप्शन वाले मिल जाएंगे, डोंट वरी, एक दो क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं आ पाए थे। 336 आ रहा है आपका, है। चलिए देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। देखिए हमने देखा कि 6 जुड़कर आया है, हमने देखा कि 18 जुड़कर आया है, आगे देखते हैं तो ये 6 और ये 36 जुड़कर आया है, आगे देखते हैं तो पूरा 60 जुड़ता है, आगे देखते हैं तो 80 और एक 90 जुड़ता है। ठीक है, नहीं समझ में आया, रेफरेंस करिए। हमने देखा कि यहाँ पर 12 जुड़ा है, हमने देखा यहाँ पर 18 जुड़ा है, यहाँ पर कितना जुड़ा है सर, 24 जुड़ा है यहाँ पर, 24। ठीक है, आगे देखेंगे तो कितना जुड़ा है, 30 जुड़ा है, आगे पता नहीं कितना जुड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो 6 का है, यहाँ से देखेंगे तो 6 का है, यहाँ से देखेंगे 6 का है, तो आगे भी जाएगा 6 का, 36 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 126 और ये हो जाएगा जोड़कर 6, 1 और 2 3, 2 और 1 3, 336। आई होप पॉइंट इज क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं। 7 का क्यूब भी है क्या, -7, 7 का क्यूब -7, हाँ 0 कैसे आया, 7 का क्यूब -7 से 0 तो आ गया, 343 से 7 जाके कहाँ 0 आता है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद ऑप्शन है, ट्राई करिए आंसर दीजिए। अतुल कह रहे हैं ए, बिल्कुल सही आंसर है। आपने देखा होगा यहाँ जो डिफरेंस है ये 9 और 16 के बीच में, ये कितने का है, ये है 7 का डिफरेंस, आगे देखेंगे तो ये 14 का डिफरेंस, आगे देखेंगे तो 28 का डिफरेंस। मैंने देखा ये 7 का मल्टीपल, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 दूनी 56, 56 होगा, इसको जोड़ दें 58 के साथ, आंसर आ जाएगा 114। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर करिए। अरे कितना टाइम लग गया आंसर करने में, डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? अरे पहले 8 पढ़ा है, फिर से 8 पढ़ा है, फिर कितना पढ़ा है, 16 पढ़ा है, फिर से 16 पढ़ा है। हाँ फिर 16 पढ़ा है। देखिए 8 का डिफरेंस 3 और ये 16 का डिफरेंस, 9 में से 3 गए 6, 4 में से 16 का डिफरेंस, 8 का 16 का, यहाँ पर एक बार और देख लें, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 और इधर 6 में से 4 जाएंगे तो 24 का डिफरेंस। देखो 8 8 16 16, तो आगे 24 24 ही होना चाहिए, 24 का डिफरेंस जोड़ दें, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 97 आंसर आ रहा होगा।
केवल सत्यवीर का आंसर आया 103 गौरव गलत है, तुक्के नहीं लगाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही आता था। बिल्कुल सही है अतुल, 163 आएगा। यहाँ पर आप डिफरेंस करिए, डिफरेंस करेंगे तो ये 16 के डिफरेंस है, आगे डिफरेंस करेंगे तो ये आई थिंक 22 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 0-30 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे 0-11-40 का डिफरेंस है, आगे डिफरेंस ले जाना है तो यहाँ से डिफरेंस करिए तो ये आपको 6 का डिफरेंस दिखेगा, ये 8 का दिखेगा, ये 10 का दिखेगा, जाना चाहिए 12 का, 40, 12, 52 को इसमें जोड़ दीजिए, 3 और ये 6, 163 आंसर आएगा, ऑप्शन विल बी ए, राइट। नेक्स्ट, अभी आप देखोगे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, जो घट रहा है क्या वो स्पीड में घट रहा है या धीरे धीरे घट रहा है? कि सर ये तो धीरे भी घटता दिखाई दे रहा है, तो आप डिफरेंस करके देख लो सबसे पहले कि डिफरेंस कितने का है, तो 14 में से 8 घटा देते हैं 6 और ये 116, यहाँ 18 में से 10 घटा देते हैं 8, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका 2, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 16 का आधा, 8 का आधा, 4 का आधा, 2 का आधा, 1 का डिफरेंस आएगा, 4 में से 1 जाएंगे 3 बचेगा, आंसर विल बी बी। दूसरे तरीके से भी सवाल सॉल्व हो सकता था, कैसे कि आपने देखा सही है, वैसे इसमें क्या दिक्कत है, यही तरीका ठीक है, क्योंकि डिवाइड से तो हो नहीं रहा, हो रहा है क्या, 34 में 2 बढ़ा लो 36 का आधा 18, 18 में 2 बढ़ा लो 20 का आधा 10, 10 में 2 बढ़ा लो 12 का आधा 6, 6 में 2 बढ़ा लो 8 का आधा 4, 4 में 2 बढ़ाओ 6 का आधा 3, आंसर भी फिर भी आएगा। नेक्स्ट, सीरीज देखने में कैसी लग रही है, बढ़ रही है घट रही है? सर बढ़ रही है घट रही है, दोनों चीजें हो रही है, इसमें प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। हाँ तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है लेकिन आसान है, प्लस माइनस दोनों इसमें चल रहा है एक ही सीरीज में अल्टरनेट। देखिए 29 से 34 हो रहा है, ऑब्वियसली 5 प्लस हो रहा है, 34 से 32 हो रहा है माइनस 2 हो रहा है, 32 से 37 हो रहा है प्लस 5 हो रहा है, ठीक है, उसके बाद 37 से 35 होता है माइनस 2 होता है, अभी आगे क्या होना चाहिए, प्लस 5 माइनस 2, प्लस 5 माइनस 2, आगे होना चाहिए प्लस 5, 35 और 5 कितना होगा 40। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालीस, अच्छा पिछले क्वेश्चन का बता रहे हो गया, क्या था पिछला क्वेश्चन, हाँ ठीक 40 का। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखोगे सीरीज थोड़ी बड़ी दिख रही है, कुछ नहीं करना, डिफरेंस कर लें प्लस 5 हुआ है, डिफरेंस कर लें प्लस 4 हुआ है, डिफरेंस करेंगे तो माइनस 3 हुआ है, पहले प्लस 5 फिर प्लस 4 फिर माइनस 3, आगे बढ़ के देखते हैं क्या चल रहा है। तो आपने देखा 8 प्लस 5 13 बनेंगे, 13 प्लस 4 17 बनेंगे, 17 माइनस 3 14 होंगे, मींस हमने समझा एक पैटर्न कि 5 4 3 और 5 4 3 और 5 4 3 का पैटर्न चल रहा है, 5 4 जुड़ते हैं 3 घटते हैं, 5 4 जुड़ते हैं 3 घटते हैं, तो यहाँ 5 जुड़ेंगे, जुड़ गए जी हाँ, उसके बाद
यहाँ से यहाँ चार जुड़ेंगे, जुड़ गए, उसके बाद यहाँ पर अगले पद में तीन घटने चाहिए, तीन घटा दीजिए, आंसर होगा 20, 20, सी ऑप्शन। मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीजें हैं, विद सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ मैं। अभी इस सीरीज को देखिए, यहाँ पर नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि बहुत स्पीड में इंक्रीज कर रहा है नंबर, बहुत स्पीड में नंबर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आपने देखा एक छोटा नंबर दो था, उसके बाद खत्म हो रहा है 240 पर। चांसेस किस बात के? सर मल्टीप्लीकेशन के। देखिए दो में दो का गुणा कर दीजिए, चार हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू से हुआ है, मल्टीप्लाई थ्री से हुआ है, मल्टीप्लाई फोर से हुआ है, मल्टीप्लाई फाइव से हुआ है, मल्टीप्लाई सिक्स से कर दीजिए, तो 24 छः कितने होते, 72 दूनी 144, 1440 आंसर आएगा, आंसर होगा 1440। सिंपल क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस क्वेश्चन को बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए गलत है संदीप, बी 72 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। देखिए यहां सीरीज थोड़ी सी इलॉजिकल हो रही है, आपने अभी तक देखा कंटिन्यूअस सीरीज चल रही थी लॉजिकल वे में, यहां पर थोड़ी सी लॉजिकल हुई है, ब्रेक होकर चल रही है, कैसे जरा समझिए कि यहां पर तीन दूनी छः, यानी कि तीन में गुणा दो का किया छः आ गया, यहां पर पांच चौक बीस, पांच में गुणा चार का किया, यहां पर सात छिंग बयालीस, छः का गुणा किया, यहां पर किसका करेंगे, पहले दो का फिर चार का फिर छः का, तो अब होना चाहिए आठ का, नौ अट्ठे होते हैं 72, 72 विल बी योर आंसर, बी बॉम्बे। आई होप पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैंने आज थोड़ी लंबी क्लास इसलिए कर दी है कि सीरीज कंप्लीट कराना चाहता, सॉरी नंबर सीरीज कंप्लीट कराना चाहता था, बट हो नहीं पाएगी मुझे पता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग ले लेते हैं इसमें, जिससे कि कल की क्लास थोड़ी सी लगे नंबर सीरीज पर, उसके बाद हम अल्फाबेट सीरीज पर आ जाएंगे। जिस हिसाब से हमारा सिलेबस चल रहा है, सही चल रहा है, कोई स्पीड भी नहीं है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्लो भी नहीं, 480 बता रहे हैं इसका आंसर, नहीं इसका नहीं, अच्छा पिछले का बताया होगा, इसका बताया, किसका बताया सत्यवीर आपने आंसर, D 240 वही 240 है, सही है। आपने देखा कि नंबर 2 से 10, 40, 120, 240 कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्पीड में बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो 2 पंजे 10 हुआ, 10 चौक 40 हुआ, 40 तिया 120 हुआ, 120 दूनी 240, 5, 4, 3, 2, 1, मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर घटता जा रहा है, 240 का 1 से गुणा करेंगे 240 ही आएगा, ऑप्शन विल बी डी, पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 32 128, साफ दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा, लेकिन कैसे कि सर 8 चौक 32 होते हैं, मतलब 4 गुणा 8, उसके बाद अब किसका हुआ है, 8 का गुणा हो रहा है क्या इसमें, बताइए, मल्टीप्लीकेशन है, नंबर स्पीड में बड़ा हुआ है, इसलिए देखिए 8 का मल्टीप्लाई हुआ है, उसके बाद किसका हुआ, देखो 4 का, 32 चौक 128 हो जाएंगे, अभी पहले 8 का हुआ, उसके आधे 4 का हुआ, उसके आधे 2 का होना चाहिए, 128 का डबल कर दीजिए, 256 विल बी योर आंसर, यानी कि ए ऑप्शन होगा आपका।
ठीक है। चलिए अब बाकी क्वेश्चंस बचे हैं जो नंबर सीरीज के, उन्हें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल की ही क्लास में हम लोग अल्फाबेट सीरीज को भी स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कल कितना हो पाता है इस चैप्टर में, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, परसों की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो कल की क्लास को थोड़ा सा लंबा करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।